नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th को लेकर। दोस्तों, कक्षा 10th और 12th को प्रमोट को लेकर इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, 10th वाले स्टूडेंट को यहाँ पर कल एक बोर्ड के द्वारा प्रमोट भी कर दिया गया है। हालांकि जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम लेकर उन्होंने बताया है कि 12th के एग्जाम कराएंगे, लेकिन जो 10th वाले स्टूडेंट है दोस्तों उनको प्रमोट कर दिया। किस बोर्ड ने प्रमोट किया है और 11th में दोस्तों आपके राजस्थान में जो है प्रवेश है वो चालू हो गए हैं, तो आप अपना 11th में प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या है पूरी प्रोसेस दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ में दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको राजस्थान बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट है वो मिलती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट के बिना ही 11वीं के एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 11वीं के जो प्रवेश हैं एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया तो आप एडमिशन करा सकते हैं। CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं के कैंसिल होने के साथ ही शहरों के स्कूलों में 11वीं के एडमिशन शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित भी हुआ है, लेकिन स्कूलों में अगली क्लास के लिए प्रोविजनल एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी दोस्तों, राजस्थान जो बोर्ड है RBSE है वो भी आपका दोस्तों बिना परीक्षा के एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि दोस्तों सरकार को सत्र भी चलाना होता है। रद्द परीक्षाओं से छात्राओं की चिंता बढ़ी है, कैसे होगा उनका ईमानदार मूल्यांकन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों को यहाँ पर चिंता ये बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करते हैं, होशियार हैं, तो क्या उन्हें उनकी ईमानदारी से नंबर मिल पाएंगे, क्या वो जितनी उनकी परसेंटेज बन रही थी उसी के हिसाब से नंबर मिल पाएंगे, इसको लेकर भी छात्र है वो असमंजस में हैं। हालांकि जो RBSE बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उसकी 10th की परीक्षाओं को लेकर फैसला दोस्तों 2 मई को आएगा। लेकिन अब जल्द ही दोस्तों आपके जो है 2 मई के बाद आपके जो है एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ कि किस बोर्ड ने यहाँ पर कल की, आप देख सकते हैं MP बोर्ड ने 10वीं के वो जनरल प्रमोशन दे दिया है। दोस्तों, ये कल की न्यूज है। कल 26 अप्रैल को यहाँ पर शाम को दोस्तों मीटिंग हुई थी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 26 अप्रैल 2021, और 10वीं वालों को यहाँ पर जनरल प्रमोशन दे दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे bhopalsamachar.com ने 14 अप्रैल 2021 को बता दिया था कि 10वीं वालों को जनरल प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने यहाँ पर दोस्तों साफ साफ कहा है कि हमें छात्रों की जान के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर खिलवाड़ नहीं करेंगे, परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि जो स्टूडेंट हैं उनको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, और 12वीं का फैसला सुरक्षित है, यानी कि 12वीं की जो है परीक्षाएं हो सकती हैं 1 जून के बाद दोस्तों इनका फैसला आएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान बोर्ड में भी जल्द ही आप सबके लिए गुड न्यूज आने वाली है। लगातार मांग भी हो रही है कि जो 10वीं वाले स्टूडेंट को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके अनुसार 10वीं का बोर्ड है दोस्तों वो समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में 10वीं वालों को दोस्तों यहाँ पर बिना परीक्षा के पास किया जाए और अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश जारी किए जाएं। तो इसको लेकर 2 मई को दोस्तों फैसला आएगा। कमेटी गठित हो गई है, कमेटी ने रिपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो फैसला लेंगे दोस्तों कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर 15 बिंदुओं को नज़र में रखा जा सकता है, उसी के आधार पर दोस्तों आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा, उसी के आधार पर दोस्तों आपकी मार्कशीट है वो आएगी, जैसे कि CBSE बोर्ड ने किया है। और CBSE बोर्ड की तरह दोस्तों अन्य राज्य भी अब प्रमोट करने में लग गए हैं, और जल्द ही दोस्तों राजस्थान में भी प्रमोट को लेकर फैसला आएगा, क्योंकि राजस्थान में कोरोना से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को दोस्तों यहाँ पर 10th और 12th वालों की तो एग्जाम करानी मजबूरी है, लेकिन 10th वालों को यहाँ पर जनरल प्रमोटर भी किया जाएगा। और 11th के दोस्तों प्रवेश आपके राजस्थान बोर्ड के जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिशन प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होने वाली है। हालांकि दोस्तों जो 10th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके दोस्तों एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप CBSE थे हैं तो आप दोस्तों एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन बिना रिजल्ट के शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जल्द ही आपके जो RBSE बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, उसके भी दोस्तों यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं बिना रिजल्ट के। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। राजस्थान बोर्ड की आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वंदे मातरम।